हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट योर थर्ड चैप्टर। योर चैप्टर नेम इज़ इंट्रोडक्शन टू अडोब फोटोशॉप CS6। फर्स्ट आप डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन। स्टूडेंट, यू मस्ट हैव नोटिस द फोटोग्राफ इन मैरिज एल्बम इन एनी कैटलॉग पोस्टर। सच फोटोग्राफ आर सो मच डिफरेंट फ्रॉम द कॉमन पिक्चर। तो इस लाइन का मीन क्या है कि आप लोगों ने नोटिस किया होगा फोटोग्राफ्स को, कौन सी फोटोग्राफ जो है मैरिज एल्बम के अंदर होती है, एनी कैटलॉग भी हो सकता है, कोई पोस्टर भी होता है, वो अनदर फोटोग्राफ से क्या होती है, डिफरेंस होती है। पिक्चर जो होगी वो क्या होगी, कॉमन होगी, और अनदर पिक्चर से क्या होगी, डिफरेंस होगी। हैव यू एवर इमेज हाउ द पिक्चर लुक्स सो गुड। तो आप इमेज करते हैं कि आप इस पिक्चर को, जो ये पिक्चर है वो इतनी अच्छी कैसे है। दिस कैन बी मेड पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ अडोब फोटोशॉप सॉफ्टवेयर। ये जो पिक्चर है वो किसकी हेल्प से बनाई जाती है, अडोब फोटोशॉप सॉफ्टवेयर की हेल्प से बनाई जाती है। अडोब फोटोशॉप इज़ ए ग्राफिक एडिटिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। जो अडोब फोटोशॉप है वो क्या है, एक ग्राफिक एडिटिंग प्रोग्राम होता है, जिससे अपने क्या कर सकते हैं, पिक्चर्स या ग्राफिक को एडिट कर सकते हैं। यूज़ टू एडिट और मॉडिफाई, और इसको यूज़ करके पिक्चर को एडिट कर सकते हैं और मॉडिफाई कर भी सकते हैं। एज़ वेल एज़ वी क्रिएट न्यू इमेज, ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, किसी न्यू इमेज को भी क्रेडिट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। फोटोशॉप इज़ डेवलप्ड बाय अडोब सिस्टम। जो फोटोशॉप है वो डेवलप हुई कि किसके द्वारा, अडोब सिस्टम के द्वारा। इट इज़ वाइडली यूज्ड बाय लॉट ऑफ फोटोग्राफ। तो इसके अंदर अपने फोटोग्राफ को यूज़ करते हैं कौन से, आर्टिस्ट भी करते हैं एंड पीपल हु हैंडल ग्राफिक। और जो पीपल हैंडल करते हैं ग्राफिक को, उसको भी इसमें वो यूज़ करते हैं। नाउडेज फोटोशॉप इज़ जनरली यूज टू क्रिएट एंड एडिट द मैगजीन कवर, बुक कवर, एल्बम एंड ब्राउजेज। जो अब फोटोशॉप है वो उस कैसे यूज़ हो रही है, कहाँ कहाँ यूज़ हो रही है, इसको एडिट की मैगजीन को, मैगजीन के अंदर भी इसका यूज़ किया जाता है, बुक कवर के लिए भी किया जाता है, एल्बम के लिए भी किया जाता है, एक्स्ट्रा बहुत जगह पे फोटोशॉप का यूज़ किया जाता है। फोटोशॉप इमेज आर बिटमैप इमेज। फोटोशॉप को अपने क्या कह सकते हैं, बिटमैप इमेज भी कह सकते हैं। दीज इमेज कंसिस्ट ऑफ पिक्सल, ये किससे जुड़ी होती है, पिक्सल से बनती है। द पिक्सल आर द टिनी सिक्योर दैट फॉर्म एन इमेज। पिक्सल क्या होते हैं, छोटे छोटे टिनी छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, जिसके क्या होता है ये इमेज के अंदर, जैसे उसको अपने इमेज को जूम करते हैं तो इमेज हमें किस में दिखाई देती है, पिक्सल के अंदर दिखाई देती है। फीचर्स ऑफ फोटोशॉप CS6। फीचर देखते हैं फोटोशॉप CS6 की कौन कौन सी है। अडोब फोटोशॉप CS6 इज़ द लास्टेस्ट वर्जन रिलीज इन ईयर 2012। जो अडोब फोटोशॉप CS6 है वो क्या है, रिसेंटली वर्जन है, जो रिलीज़ हुआ था। कब रिलीज़ हुआ था, अब जाके रिलीज़ हुआ था, कब, 2012 के अंदर, ठीक है। इट हैज़ सम इंटरेस्टिंग फीचर, इसकी कुछ इंटरेस्टिंग फीचर है। फर्स्ट है यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस, इसे हर कोई यूज़ कर सकता है। रीटचिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ फोटोज़ आर ईज़िली पॉसिबल, इसको अपने रीटच कर सकते हैं, ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं ईज़िली फोटोशॉप के अंदर। यू कैन ओपन एंड सेव GPEG फाइल्स अप टू 635 पिक्सल्स। इसके अंदर क्या है, 65,535 पिक्सल्स होते हैं हर एक पिक्चर्स के, एंड इन विच और हाइट इन द फोटोशॉप। और इसकी क्या होगी, हाइट भी होगी, विड्थ भी होगी, फोटोशॉप CS6 के अंदर इस सब के अंदर इसमें कवर हो जाते हैं पिक्सल के अंदर, इसकी हाइट एंड विड्थ और हाइट उसकी, सॉरी। फोटोशॉप कंटेन मैनी न्यू 3D फीचर्स इन CS6। जो फोटोशॉप होती है वो मेंटेन करती है 3D फीचर को। फोटोशॉप CS6 नाउ सपोर्ट हाई रिजोल्यूशन डिस्प्ले एज डॉक्यूमेंट कैन बी व्यूड टू 100%। ये हमें क्या करती है, ये सपोर्ट करती है हाई रिजोल्यूशन को, जो डॉक्यूमेंट हमें रिव्यू होता है, जो हमें शो होता है। यू कैन एड मैनी लेयर्स एज यू नीड, हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारी लेयर को ऐड कर सकते हैं। यू कैन यूज़ द प्रॉपर्टी पैनल टू क्विकली मॉडिफाई द लेयर कॉम्पोनेंट सेलेक्ट इन द लेयर पैनल। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज है उसको भी अपने क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं कहाँ से जाकर, पैनल टूल्स के। क्रिएट ग्राफिक फॉर वेब बेस्ड एप्लीकेशन विद यूज फाइल साइज, देयर बाय हेल्प इन फास्टर लोडिंग ऑफ द वेबसाइट। ये हम क्रिएट करते हैं, किसको क्रिएट करते हैं, एप्लीकेशंस को, जो एप्लीकेशन का साइज़ होता है वो भी रिड्यूस हो जाता है, और इसकी जो लोडिंग होती है वो भी क्या होती है, फर्स्ट होती है हमारी वेबसाइट पे। स्टार्ट इन फोटोशॉप, फोटोशॉप को स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, फर्स्टली हमें क्लिक करना होगा स्टार्ट बटन पे, देन हमें क्लिक करना होगा अडोब मास्टर कलेक्शन CS6 फोल्डर पे, उसके बाद में हमें क्लिक करना होगा अडोब फोटोशॉप CS6 ऑप्शन पे।
उसके बाद हमें कुछ ऐसी विंडो अपीयर होगी जैसी आपकी स्क्रीन पे आपको शो हो रही है, ओके। देन अपने क्या करेंगे, टू स्टार्ट वर्किंग इन फोटोशॉप, अपने वर्क करेंगे फोटोशॉप पे, स्टार्ट करना, यू मस्ट क्रिएट ए न्यू फाइल, हमें क्रिएट करनी होगी न्यू फाइल को। टू क्रिएट ए न्यू फाइल इन फोटोशॉप, अपने क्रिएट कर सकते हैं न्यू फाइल को फोटोशॉप के अंदर। फर्स्ट है हमें क्या करना होगा, क्लिक ऑन द न्यू फ्रॉम फाइल मेन्यू, फाइल मेन्यू पे जाकर मेन्यू पे क्लिक करना होगा। द न्यू डायलॉग बॉक्स क्या हो जाएगा, हमें ओपन हो जाएगा, द कंटेन वेरियस ऑप्शन, तो उसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, उसके अंदर हमें सेलेक्ट करनी होगी परमानेंट वैल्यू को। फर्स्ट है स्पेसिफाई द विड्थ एंड हाइट, हमें सबसे पहले फाइल की विड्थ और हाइट को स्पेसिफाई करना होगा। टाइप द न्यू नेम ऑफ द नेम फाइल, हमें क्या करना होगा, हमारी फाइल का न्यू नेम देना होगा हमें नेम बॉक्स में। कलर मोड, चूज द कलर मोड फ्रॉम द इस ड्रॉप डाउन बॉक्स, इस ड्रॉप डाउन बॉक्स के अंदर हमें कलर को भी चूज़ करना होगा कि हमें कौन सा लेना है, बिटमैप लेना है, ग्रे स्केल लेना है, आरजीबी कलर लेना है, CMYK लेना है या फिर लैब कलर लेना है। फर्स्टली देखिए बिटमैप मोड कौन सा होता है, द इमेज गेट्स कन्वर्टेड इनटू टू कलर इमेज, ये इमेज होती है ये दो कलर्स के अंदर क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। तो ग्रे स्केल मोड कौन सा होता है, द इमेज इज डिस्प्ले इन द शेड ऑफ ग्रे ब्लैक एंड वाइट, ये जो ग्रे स्केल है ये हमें जो इमेज हमारी हमें शो होगी वो कौन सी शेडिंग कलर के अंदर होगी, उसके अंदर दो कलर होंगे ब्लैक भी होगा एंड वाइट भी होगा। CMYK का मतलब क्या है, द इमेज इज प्रिंटेड इन द फोर मेन कलर, ये हमें क्या होगी इमेज होगी फोर कलर के अंदर होगी, सी फॉर सियान होगा, एम फॉर मजेंटा, वाई फॉर येलो एंड के फॉर ब्लैक, ठीक है। आफ्टर गिविंग ऑल द स्पेसिफाइड डिटेल फॉर द न्यू पेज, जैसे ही हम गिव करते हैं स्पेसिफाइड डिटेल को न्यू पेज के अंदर, क्लिक द ओके बटन, हमें किस पे क्लिक करना होगा, ओके बटन पे क्लिक करना होगा। ए न्यू फाइल ओपन अप द फोटोशॉप विंडो, हम क्या करेंगे न्यू फाइल को ओपन करेंगे हमारी फोटोशॉप विंडो के अंदर। उसके बाद में ये देखिए आपको एक विंडो शो हो रही है, ठीक है, फोटोशॉप विंडो है, इसके अंदर आपको कंपोनेंट्स दिए गए हैं वो अपने देखते हैं। फर्स्ट है मेन्यू बार, द मेन्यू बार कंटेन डिफरेंट मेन्यू लाइक फाइल एडिट इमेज लेयर सेलेक्ट विंडो एक्सेट्रा टू परफॉर्म वेरियस टास्क इन फोटोशॉप, ये फाइल को एडिट करना, इमेज लेयर सेलेक्ट विंडो, ये हमें सारे मेन्यू बार पे मिलते हैं। फिर आता है ऑप्शन बार, ऑप्शन बार पे इट डिस्प्ले द ऑप्शन एसोसिएटेड विद द टूल बीइंग सेलेक्टेड, ये हमें ऑप्शन मिलते हैं, कहाँ ऑप्शन मिलते हैं, जहाँ हमें कोई टूल को क्या करना है सेलेक्ट करना होगा। फिर आता है डिफ़ॉल्ट मोड, डिफ़ॉल्ट मोड क्या है, द इसेंशियली इज द डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ द फोटोशॉप इंटरफेस, यू कैन ऑल्सो चेंज द मोड ऑफ द फोटोशॉप इंटरफेस बाई क्लिकिंग एनी वन मोड अवेलेबल इन दिस बॉक्स, ये क्या है, इसमें अपने चेंज कर सकते हैं किसी भी फोटोशॉप के मोड को कहाँ क्लिक करते हुए हमारे उस बॉक्स के अंदर। डॉक्यूमेंट एरिया कहाँ है, द लार्ज वाइट एरिया, जो भी हमारा लार्ज वाइट एरिया होगा वो क्या होगा, हमारा डॉक्यूमेंट एरिया होगा। इन दिस एरिया यू कैन परफॉर्म वेरियस ऑपरेशन ऑब्जेक्ट, इस पर अपने क्या कर सकते हैं, हमें जो भी अपना ऑपरेशन वर्क करना है इस पर अपने कर सकते हैं। फिर आता है टूल पैनल, टूल पैनल्स क्या होता है, द टूल पैनल्स इज प्रेजेंट बाई डिफॉल्ट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द फोटोशॉप विंडो, टूल पैनल हमें कहाँ मिलता है, फोटोशॉप विंडो के लेफ्ट साइड पे मिलता है। अब इसकी 5 कैटेगरीज हैं, 5 का इस पर टाइप्स के अंदर इसको बांटा गया है वो अपने देखते हैं। फर्स्ट है सिलेक्शन टूल, सिलेक्शन टूल का यूज़ किस लिए किया जाता है, किसी भी टूल को सिलेक्शन सेलेक्ट करने के लिए सिलेक्शन टूल का यूज़ किया जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस सिलेक्शन टूल, इसमें क्या है बहुत सारी सिलेक्शन टूल्स हैं, कौन सी है, मैजिक वॉन्ड, मार्क्यू, मूव, लेसो एंड क्रॉप टूल, ये क्या है सिलेक्शन टूल है। पेंट एंड रीटचिंग टूल, ये क्या होती है, हीलिंग ब्रश, ब्रश इरेजर, क्लोन, फिल, ब्लर, स्टम्प, डस्ट, बर्न और ग्रेडियंट एंड स्पॉन्ग टूल्स, ये क्या होती है सारी पेंट करने वाली और रीटचिंग टूल्स हैं, इनके बारे में यूज़ क्या होता है वो अपने आगे चैप्टर के अंदर देखेंगे। फिर आता है टेक्स्ट एंड ड्राइंग टूल, इट कंसिस्ट ऑफ टेक्स्ट टूल, ये क्या होता है जुड़ी हुई होती है किसी कंसिस्ट टूल से, शेप भी आएगी इसके अंदर, पेन टूल भी आएगी, अपने कोई वर्क भी कर सकते हैं और यूज़ फॉर ड्राइंग एंड टाइपिंग, उसके अंदर क्या कर सकते हैं भाई, ड्राइंग करना चाहे टाइपिंग करना चाहे वो भी अपने कर सकते हैं। व्यू टूल है, हैंड एंड जूम टूल आर द मेन व्यू टूल, हैंड और जूम मीन्स क्या होता है, जूम आउट करना, जूम इन करना, पिक्चर को बड़ा करना, छोटा करने के लिए इसमें टूल का यूज़ किया जाता है, ठीक है, हमारे ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। अदर टूल है, देयर आर मैनी अदर टूल्स दैट हेल्प इन द वेरियस वे वाइल वर्किंग विद द इमेज, और भी बहुत सारे टूल हैं जो अपने क्या करते हैं हमारी वर्किंग इमेज पे वर्क करने के लिए हमें हेल्प करती है। फॉर एग्जांपल आ गया फोरग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर, स्विच एंड डिफ़ॉल्ट कलर, ये क्या है सारी टूल्स हैं। एक साइड पे आपको पिक्चर दी गई है और टूल्स की पिक्चर्स भी शो की गई है कौन सी टूल कैसे यूज़ की जाती है। फिर आता है प्लेट्स, प्लेट्स आर द फ्लोटिंग विंडो, ये क्या होती है कैसी विंडो होती है, दैट आर प्लेस वन आफ्टर द अदर विद डिफरेंट ऑप्शन, ये क्या होती है एक स्थान से दूसरे स्थान पे प्लेस्ड होती है किसके साथ, अपने ऑप्शन के साथ।
दैट यू यूज़ फॉर एडिटिंग द इमेज, अपने यूज़ कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं इमेज को। दिस आर प्रेजेंट ऑन द राइट साइड ऑफ द फोटोशॉप विंडो, ये हमें प्रेजेंट करती है राइट साइड फोटोशॉप के राइट साइड पे। टू मूव द प्लेट्स, अपने मूव करना चाहते हैं प्लेट्स को, फर्स्टली हमें क्लिक करना होगा टॉप ऑफ द प्लेट, प्लेट के ऊपर। होल्ड द लेफ्ट माउस बटन, हमें होल्ड करके प्रेस करके रखना होगा लेफ्ट माउस के बटन को। एंड ड्रैग द प्लेट, और हमें ड्रैग करते हुए प्लेट को लेके आना होगा। टू क्लोज टू एक्सपेंड द प्लेट, क्लिक ऑन द डबल एरो, तो हमें क्या करना होगा डबल एरो पे क्लिक करना होगा। फिर आता है इंसर्टिंग इमेज, हम एक इमेज को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, उसके लिए हमें फाइल मेन्यू पे क्लिक करना होगा। उसके बाद में उसके प्लेस ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद हमें एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आती है, तो हमारा जो प्लेस का डायलॉग बॉक्स है वो हमें ओपन हो जाएगा। सेकेंड क्या है, क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो ऑफ लुक इन टेक्स्ट बॉक्स, तो हमें क्लिक करना होगा ड्रॉप डाउन एरो पे अंदर, ठीक है। तो इन टेक्स्ट बॉक्स के अंदर एंड सेलेक्ट द इमेज एज पर योर चॉइस, तो हमें सेलेक्ट कर सकते हैं किसी इमेज को अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। क्लिक ऑन द प्लेस बटन, प्लेस बटन पे क्लिक करना होगा। द सिलेक्टेड इमेज अपीयर इन द फोटोशॉप विंडो, जो सिलेक्टेड इमेज होती है वो हमें अपीयर होती है फोटोशॉप विंडो पे अंदर। क्लिक एंड ड्रैग इट इज टू प्लेस वेयर यू वॉन्ट टू सी, आप अपनी इमेज को वहाँ ड्रैग कर सकते हैं जहाँ आप अपनी इमेज को देखना चाहते हैं। यू कैन ऑल्सो रिसाइज और रोटेट द इमेज, आप क्या कर सकते हो उसको रिसाइज छोटा बड़ा कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, कहाँ लेके जाना चाहते हो वहाँ लेके जा सकते हो बाई ड्रैगिंग द कैनवस नोड्स, ठीक है। ड्रैग करते हुए आप वैसे अपनी इमेज को कर सकते हो। वैन यू सेटिस्फाई विद प्लेसमेंट द साइज एंड इमेज, डबल क्लिक ऑन द इमेज, अगर आप उस इमेज से सेटिस्फाई हो तो आप डबल क्लिक कर सकते हो। फिर आता है सेविंग ए फाइल, अपने इमेज को कैसे सेव कर सकते हैं। आफ्टर क्रिएटिंग और एडिटिंग द इमेज, क्रिएट करने पर और एडिट करने पर इमेज को के बाद यू मस्ट सेव, तो हमें क्या करना होता है सेव करने की जरूरत होती है। सबसे पहले हमें क्या करना है, क्लिक फाइल बटन पे करना होगा, सेव ऑप्शन पे करना होगा। तो सेव एज का ऑप्शन आएगा, तो हमारे पास एक बॉक्स ओपन हो जाएगा, तो उसके अंदर हमें टाइप द फाइल नेम, फाइल का नेम टाइप करना होगा एंड द सेव बटन पे क्लिक करना हो जाएगा, तो हमारी फाइल क्या हो जाएगी सेव हो जाएगी। फिर आता है ओपनिंग एन एग्जिस्टिंग इमेज, ओपन कैसे कर सकते हैं हमारी एग्जिस्टिंग इमेज को। क्लिक ऑन द फाइल, फाइल पे क्लिक करना होगा, ओपन बटन ऑप्शन पे जाना होगा, ओपन बॉक्स हमारा अपीयर हो जाएगा। देन हमें सेलेक्ट करना होगा लोकेशन फ्रॉम वेयर यू वांट टू ओपन एन इमेज, जहां आप अपनी इमेज को ओपन करना चाहते हैं, ठीक है। तो बाय क्लिकिंग ऑन द ड्रॉप डाउन एरो इन लुक इन टेक्स्ट बुक, तो हमें क्या हो जाएगी हमारी क्लिक करने से हमारी एक टेक्स्ट बुक हमें टेक्स्ट बॉक्स हमें आएगा, उसके अंदर हमें लुक इन देखना होगा। तो सेलेक्ट द रिक्वायर पिक्चर, तो हमें जो पिक्चर रिक्वायर करनी है, जो हमें अच्छी लग रही है, वो हम पिक्चर को सेलेक्ट कर सकते हैं और ओके कर सकते हैं। ओके करेंगे तो ओपन क्लिक करने पर ओपन बटन पे हमें क्लिक करना है, तो वो हमारी पिक्चर क्या हो जाएगी हमें आ जाएगी, ओपन हो जाएगी। फिर आता है सिलेक्शन टूल्स, सिलेक्शन टूल्स क्या क्या है। सिलेक्शन टूल्स आर यूज टू सेलेक्ट कट कॉपी और एडिट द इमेज एनी पार्ट ऑफ द इमेज। सिलेक्शन टूल का यूज़ किया जाता है कट करने के लिए, कॉपी करने के लिए, एडिट करने के लिए किसी हमारे इमेज को। द सिलेक्शन टूल्स इन द फोटोशॉप, सिलेक्शन टूल क्या होती है फोटोशॉप के अंदर बहुत सारी होती हैं। फर्स्ट है मार्क्यू टूल, मार्क्यू टूल का यूज़ क्या होता है, मार्क्यू टूल इज़ यूज टू सेलेक्ट एन इमेज और पार्ट ऑफ इट इन द रेक्टेंगुलर एलिप्टिकल सर्कुलर शेप, टू यूज़ मार्क्यू सिलेक्शन टूल, तो अपने इसका यूज़ कर सकते हैं। सेलेक्ट एंड चूज द मार्क्यू टूल इन द टूल पैनल, हमें सेलेक्ट करना होगा मार्क्यू टूल को टूल पैनल के अंदर से। क्लिक एंड ड्रैग द माउस ओवर द पिक्चर टू सेलेक्ट द रिक्वायर्ड पार्ट ऑफ इट, जो हमें माउस को ड्रैग करते हुए जो हमें पिक्चर चाहिए रिक्वायर्ड पार्ट चाहिए उसे ड्रैग करते जाएंगे। और यू विल सी डैश बॉर्डर अराउंड द ऑब्जेक्ट, हमें क्या देखेंगे डैश बॉर्डर देखेंगे हमारी ऑब्जेक्ट के ऊपर। फिर देखिए यू कैन कट कॉपी डिलीट सेलेक्टेड पार्ट, अगर हमें क्या करना है आप कट कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो सेलेक्ट किए गए पार्ट को। फिर आता है लैसो टूल, लैसो टूल इज यूज टू सेलेक्ट द पार्ट ऑफ एन इरेगुलर शेप, जो हमारी लैसो टूल है वो यूज़ की जाती है सेलेक्ट करने के लिए हमारे इरेगुलर शेप को। टू यूज़ लैसो टूल, आप यूज़ कर सकते हैं लैसो टूल का, ओपन करनी होगी किसी इमेज को, क्लिक ऑन लैसो टूल, तो कैसे अपने क्लिक करेंगे एक ड्रॉप डाउन बटन आएगा, तो हमें सेलेक्ट करना होगा लैसो टूल को। थर्ड है क्लिक ऑन द एनी पार्ट ऑफ इमेज, हमें क्लिक करना है किसी भी इमेज के पार्ट्स को। एंड फोर्थ है ड्रैग द माउस, ड्रैग करते हुए माउस को सेलेक्ट करना है रिक्वायर्ड पार्ट हमारी इमेज का। एंड रिलीज द माउस एट द एंड, और हमें क्या करना है एंड के अंदर अपने माउस को छोड़ देना है। फिर आता है पॉलीगोनल लैसो टूल, पॉलीगोनल क्या होता है, इट इज़ यूज टू सेलेक्ट एनी पार्ट, वो भी इसलिए यूज़ की जाती है स्ट्रेट लाइन के अंदर इमेज को सेलेक्ट करने के लिए यूज़ की जाती है।
उसके लिए हमें वही सेम ऑप्शन अप्लाई करना है, ओपन करना है, किसी इमेज को क्लिक करना है लैसो बटन पे, ठीक है। उसके बाद भी हमें पॉलीकोनल लैसो टूल पे क्लिक करना है। फिर आता है क्लिक ऑन द एनी पार्ट ऑफ इमेज, जो हमें सेलेक्ट करनी है वो हमें पार्ट इमेज पे जाना होगा, उस पर क्लिक करनी होगी। सेम हमें ऑप्शन अप्लाई करना है, ड्रैग करना है हमारी माउस को एंड वी सी लाइन फॉलो योर पॉलीगन लैसो। तो अपने एक लाइन को फॉलो करेंगे जो हमें लाइन शो होगी कहाँ पे, पॉलीगन लैसो ऑप्शन पे, एंड क्लिक अगेन टू ड्रॉ द फर्स्ट लाइन। तो हमें क्या करना है, क्लिक करना होगा ड्रॉ करने के लिए फर्स्ट लाइन के अंदर टू माउस क्लिक, दो माउस की क्लिक करते हुए मूव द माउस पॉइंटर, हमें मूव करना है माउस के पॉइंटर को ऑन द पार्ट टू बी सिलेक्टेड और अनदर लाइन इंडिकेट योर सिलेक्शन, जो भी हमें पार्ट सेलेक्ट करना है हमारे सिलेक्शन के दौरान, एंड कंटिन्यू दिस प्रोसेस टिल यू रीच द स्टार्टिंग पॉइंट। तो आप कंटिन्यू करेंगे अपनी प्रोसेस को और आप कहाँ पहुँच जाओगे, अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुँच जाओगे। फिर आता है मैग्नेटिक लैसो टूल। मैग्नेटिक लैसो टूल यूज़ होती है टू सेलेक्ट द पार्ट ऑफ इमेज, वही सेम है इमेज को सेलेक्ट करने के लिए इसका भी यूज़ किया जाता है, लॉन्ग विद द आउटलाइन बाउंड्रीज, किसके साथ साथ, इमेज की आउटलाइन बाउंड्री के साथ साथ इसमें यूज़ किया जाता है। फर्स्टली हमें ओपन करना है इमेज को, क्लिक करना है लैसो टूल के अंदर, उसमें हमें सेलेक्ट करना है मैग्नेटिक लैसो टूल को। फिर आता है हमें क्लिक करना है इमेज के किसी पार्ट को जो हमें सेलेक्ट करना है। फिर सेम फोर्थ पॉइंट के अंदर ड्रैग द माउस ओवर द ऑब्जेक्ट टू सेलेक्ट इट, जो हमें ऑब्जेक्ट हमें सेलेक्ट किया माउस को उसे ड्रैग करते हुए लेके जाना है। यू विल सी द बेस डैश बॉर्डर, जो हमें डैश डैश किए बॉर्डर मिलेंगे उसकी एज मिलेंगी वो हमें सेलेक्ट करनी है। और डबल क्लिक का एंडिंग पॉइंट, हमें क्या करना है डबल क्लिक कर देना हमारे एंडिंग पॉइंट पे, मैजिक वॉन्ड टूल इसमें देखते हैं। मैजिक वॉन्ड टूल इज़ यूज टू सेलेक्ट द एडजेसेंट पार्ट ऑफ एन इमेज विथ विच आर इन द सेम कलर। ये क्या होता है, इस टूल का यूज़ किया जाता है हमारी इमेज के अंदर, हमारी इमेज जो है उसके अंदर सेम कलर लेने के लिए। टू मैजिक वॉन्ड टूल किसका यूज़ करके, मैजिक वॉन्ड टूल का हमें यूज़ करना है। सबसे हमें सेलेक्ट करना है मैजिक वॉन्ड, तो फिर हमारा जो पॉइंटर हो जाएगा चेंज हो जाएगा इट इन सिंबल। क्लिक ऑन एनी पार्ट ऑफ इमेज, हमें क्लिक करना है इमेज के किसी भी पार्ट के अंदर। यू विल सी द एरिया हैविंग द सेम कलर, जिस एरिया के अंदर आपको वही सेम कलर लेना है जो इमेज में है, तो विल बी सिलेक्टेड, वो एरिया को भी आपको क्या करना है सेलेक्ट करना है। ऑन द सेलेक्टिंग द मैजिक वॉन्ड टूल, अगर आप कैसे भी मैजिक सेलेक्ट करते हैं इस मैजिक टूल को, द ऑप्शन टूल बार डिस्प्ले, तो हमारे पास एक ऑप्शन आएगा। फर्स्ट है टॉलरेंस, इट रिप्रेजेंट द रेंज ऑफ सेलेक्टेड पिक्सल, ये हमें रिप्रेजेंट करती है हमारी पिक्सल की रेंज को सेलेक्ट करने के लिए। हायर द टॉलरेंस मोर विल बी द रेंज ऑफ पिक्सल, जो हायर होती है इसकी टॉलरेंस वो क्या हमें करती है पिक्सल की रेंज को शो करती है। फिर एंटी अलाइस आता है, ये हमें स्मूथनी जो हमारी सिलेक्शन है उसको शो करती है, यूज़ करने के लिए यूज़ करती है। फिर आता है कॉन्टिजियस, कॉन्टिजियस का यूज़ होता है ये डिसलेक्ट करती है हमारे ऑप्शन को कि द पिक्सल विच आर विद इन द सेम टॉलरेंस रेंज, रेंज विल बी सिलेक्टेड, जो हमारी टॉलरेंस रेंज होती है वो क्या होती है सिलेक्टेड होती है पिक्सल के साथ। फिर आता है क्रॉप टूल, क्रॉप टूल का यूज़ किया जाता है हमारी किसी भी पिक्चर को क्रॉप करने के लिए, ठीक है। क्रॉप टूल यूज टू सिलेक्ट द रिक्वायर्ड पार्ट ऑफ एन इमेज एंड रिमूव द अनवांटेड पार्ट आउटसाइड द सिलेक्टेड ऑफ द इमेज, जो भी हमारे इमेज के आउटसाइड पे जो अनवांटेड पार्ट होता है, जो हमें नहीं चाहिए होता उसको अपने क्रॉप करना चाहते हैं, तो क्रॉप टूल की हेल्प से अपने वो कर सकते हैं। फर्स्ट है ओपन एनी इमेज, हमें ओपन करनी होगी इमेज को, क्लिक द क्रॉप बटन, क्रॉप बटन पे हमें क्लिक करना होगा। मूव द माउस पॉइंटर, हमें मूव करना है माउस के पॉइंटर को ओवर द पार्ट ऑफ इमेज यू वॉन्ट टू सेलेक्ट, जो हमें पार्ट इमेज का सिलेक्ट करना है वो अपने कर सकते हैं, जितना हमें पार्ट चाहिए इमेज का उतना अपने सेलेक्ट करेंगे, बाकी हम पार्ट जो हमारा अनवांटेड एरिया होगा वो हमारा क्या हो जाएगा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है एज यू सेलेक्ट द पार्ट ऑफ एन इमेज, अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं हमारी इमेज के पार्ट्स को एंड द एरिया आउटसाइड इट अपीयर टू बी एज यू सेलेक्ट द पार्ट ऑफ एन इमेज, अगर आप अपनी इमेज के किसी पार्ट को सेलेक्ट करना चाहते हैं द आउटसाइड इज द अपीयर टू बी डार्क, जो आउटसाइड होगा वो डार्क है, तो द प्रेस द एंटर की आफ्टर द सिलेक्शन प्रोसेस, अगर आप उस इमेज के पार्ट को सिलेक्ट कर लेते हो उसके बाद में एंटर की प्रेस करते हो तो आपकी इमेज क्या हो जाएगी विल बी ओपन, तो आपकी इमेज क्या हो जाएगी क्रॉप हो जाएगी, ठीक है। मूव टूल, मूव टूल का यूज़ किया जाता है, मूव टूल इज़ यूज टू मूव और ड्रैग ए सिलेक्टेड पार्ट ऑफ एन इमेज टू अनदर लोकेशन, एक जगह से दूसरी जगह पे अपनी इमेज को क्या करना मूव करना अनदर लोकेशन पे, मूव टूल का अपने यूज़ करते हैं। फर्स्टली हमें क्या करना होगा सिलेक्ट द पार्ट ऑफ एन इमेज टू बी मूव, हमें उस इमेज के पार्ट को सिलेक्ट करना होगा जिसे हम मूव करना चाहते हैं, सिलेक्ट मूव टूल अपने सेलेक्ट करेंगे मूव टूल का।
द माउस पॉइंटर चेंज टू ए साइन ऑफ मूव टूल, अगर अपने माउस पॉइंटर हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा जो अपने साइन करेंगे मूव टूल को। द प्रेस लेफ्ट बटन, माउस बटन अपने अपने को प्रेस करना है, माउस के लेफ्ट बटन को ड्रैग द सिलेक्टेड पार्ट ऑफ इमेज, हमें सेलेक्ट करना है, ड्रैग करना है इमेज के जो हमें सेलेक्ट किया गया पार्ट है उस लोकेशन पे लेके जाना है जहाँ हम अपने जहाँ हम उस इमेज के पार्ट को देखना चाहते हैं, ठीक है। द इमेज विल बी मूव इन न्यू लोकेशन, तो हमारी इमेज क्या हो जाएगी, मूव हो जाएगी हमारी न्यू लोकेशन पे। हम क्विक सिलेक्शन टूल, अब अपने देखते हैं क्विक सिलेक्शन टूल का यूज़ क्या है। टू दिस टूल इज़ यूज फॉर द क्विक सिलेक्शन ऑफ एन इमेज, अपने यूज़ करते हैं क्विक सिलेक्शन टूल का हमारे इमेज के अंदर, विच रिक्वायर ग्रेटर प्रसिजन टू रीच, जहाँ हम क्या करना चाहते हैं, अपने इमेज को देखना चाहते हैं, पहुँचाना चाहते हैं, तो क्लिक ऑन द क्विक सिलेक्शन, तो अपने किसका यूज़ करेंगे, क्विक सिलेक्शन का यूज़ करेंगे। ड्रैग द माउस टू मेक योर रिक्वायर सिलेक्शन, हम ड्रैग करेंगे अपने माउस को अपने सिलेक्शन के रिक्वायर के अकॉर्डिंग। एज़ यू ड्रैग द माउस, आपको ड्रैग करना है माउस को, द सिलेक्शन रीच आउटवर्ड एंड फॉलो द डिफाइंड एड्स ऑफ एन इमेज, तो हमारी जो इस सिलेक्शन है इसको अपने रीच करते हैं, लेके जाते हैं, तो फॉलो करते हैं, तो हमारी उस इमेज की जो एड्स होती है वो क्या हो जाती है, डिफाइन हो जाती है। तो स्टूडेंट आपका जो थर्ड चैप्टर है कौन सा है, थर्ड चैप्टर अडोब फोटोशॉप CS6 के बारे में जो आपका थर्ड चैप्टर है वो कम्प्लीट हो चुका है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। सो थैंक यू क्लास।